नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपका टेक खबर के एक फ्रेश एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर मैं लेके आया हूं बहुत सारी टेक खबर आपके लिए। साथ में लेके आया हूं एक फैक्ट, क्या आप जानते हैं कितने आईफोन हैं इस टाइम वर्ल्ड के अंदर, मैं बताऊंगा बिल्कुल इस वीडियो के एंड में, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है ऑनर की तरफ से। ऑनर अपना लॉन्च कर रहा है सबसे पहला लैपटॉप। जी हाँ, ऑनर अपना एक लैपटॉप लेके आ रहा है जो 180 डिग्री तक खुलेगा। इसके अंदर आपको कोर i5 और कोर i7 के दो प्रोसेसर मिलने वाले हैं, 8 जनरेशन के प्रोसेसर होंगे। कोर i5 जो होगा उसके अंदर आपको मिलेगा 4GB की रैम और 256GB की SSD स्टोरेज, और कोर i7 वाले मॉडल के अंदर आपको मिलेगा 8GB और 256GB का वेरियंट। साथ में मिलेगा आपको एनवीडिया का 2GB का ग्राफिक कार्ड, तो काफी अच्छा इसके अंदर अनुभव होने वाला है हमारे को। इसको आप कंपेयर कर सकते हो एप्पल के मैकबुक के साथ, साथ में आप मी जो आने वाली है उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के अंदर। देखते हैं, क्योंकि ये काफी स्लिम है। ऑनर ने इसके अंदर बोला है कि स्लिम होने के बावजूद हमने इसके अंदर एक फैन लगाया है जो कि इसको कूल रखेगा। ये आपको मिलेगा 3 कलर के अंदर, ग्रे, सिल्वर और पर्पल। तो देखिए, जैसे ये आता है मैं दूंगा इसका अपडेट। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर आ रही है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा ने मना कर दिया है कि वो अपने किसी भी कार के अंदर एंड्रॉइड का कोई सिस्टम नहीं लगाने वाला है। इसी तरीके की खबरें पहले भी आई थी कि उन्होंने एप्पल का कोई भी सिस्टम अपने गाड़ी के अंदर लगाने से मना कर दिया था, क्योंकि टोयोटा बोलता है कि हमारे लिए अपने यूजर्स का जो सेफ्टी है वो ज्यादा कंसर्न है, मतलब कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कंसर्न रखती है। उनके हिसाब से गूगल और एप्पल दोनों ही एक यूजर के डाटा को अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं हमारे किसी भी कस्टमर का डाटा जो है वो एप्पल या गूगल के साथ शेयर हो। हालांकि गूगल ने इन खबरों को डिनाय कराया कि वो किसी भी यूजर का डाटा अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी टोयोटा ने सेफ्टी को कंसर्न रखते हुए इन दोनों कंपनीज को अभी अपने डिवाइसेस अपने गाड़ी में लगाने के लिए मना कर दिया है। दोस्तों, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर आ रही है फेसबुक की तरफ से। अगर आप एक गेमर है तो आप इस अपडेट को काफी पसंद करेंगे, क्योंकि अब फेसबुक बिना गेम को इंस्टॉल करे उसको खेलने का आपको एक मौका दे रहा है। जी हां, जब आप फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं तो किसी गेम का अगर आपको ऐड आता है तो बिना इंस्टॉल करे पहले आप उसका एक डेमो ले सकते हैं, उस पर आप क्लिक करके उसको थोड़ा गेम को खेल के देख सकते हैं। अगर आपको गेम पसंद आती है तो ही आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा, अदरवाइज आपको एक डेमो तो इसके अंदर मिल ही रहा है। अगली खबर की बात करूं तो एप्पल ला रहा है इस साल एक ड्यूल सिम वाला फोन, जो होगा एप्पल का अभी तक का पहला ड्यूल सिम फोन, और लगभग ये लीक अब कंफर्म हो चुकी है। 3 वेरिएंट एप्पल के आने वाले हैं, एक 5.8 इंचेस का और एक 6.5 इंचेस का और एक 6.1 इंचेस का। जो 5.8 और 6.5 इंचेस का जो मॉडल होगा दोनों ओलेड स्क्रीन के अंदर आएंगे, लेकिन जो 6.1 इंचेस का जो डिस्प्ले है वो आपको मिलेगा एक LCD डिस्प्ले, क्योंकि एक बजट फोन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल पहली बार एक बजट फोन लेके आने वाला है, लेकिन बजट का मतलब ये नहीं है कि वो काफी सस्ता मिलने वाला है। बजट का मतलब एप्पल के हिसाब से कम 35,000 से 40,000 रुपए होने वाला है। जो मॉडल ड्यूल सिम के साथ आने वाला है वो मॉडल होगा 6.5 इंचेस वाला, और वो एक बजट सेगमेंट वाला फोन नहीं है। तो जैसे ये तीनों मॉडल आएंगे मैं दूंगा इनको आपको अपडेट। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट खबर आ रही है OnePlus 6 की तरफ से। OnePlus 6 के ऑलरेडी काफी सारे रूमर्स आ चुके हैं, काफी सारे लीक्स आ चुके हैं। एक नया लीक जो आया है वो है एवेंजर मॉडल इसके अंदर आने वाला है। एवेंजर इन्फिनिटी जैसे एक मूवी रिलीज हो रही है, इससे पहले भी काफी सारे फिल्म्स के ऊपर OnePlus अपना एक मॉडल उतार चुके हैं, लेकिन अब ये एक और कंफर्म लीक है कि एवेंजर के ऊपर भी एक मॉडल इनका आने वाला है। इससे पहले भी काफी सारी लीक्स उनकी आ चुकी हैं कि 845 का प्रोसेसर OnePlus 6 के अंदर आने वाला है। इसके अलावा वाटरप्रूफ होने वाला है, नॉच वाला वो फोन होने वाला है। तो काफी सारे लीक्स अब हमारे पास आ चुके हैं। देखते हैं फाइनल फोन कैसा होगा। जून के अंदर फोन होने वाला लॉन्च, मैं देता रहूंगा जैसे इसकी कोई अपडेट आती रहती है आपके साथ शेयर जरूर करता रहूंगा। दोस्तों, इससे जो अगली खबर आ रही है वो काफी सैड है। आज जो है जस्टिस लॉयर के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था, और सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट थी वो हैक कर ली गई है। ये ब्राजीलियन जो हैकर्स है द हाईटेक ग्रुप, उन्होंने इसको हैक कर लिया है। दोस्तों, ये वही ग्रुप है जिन्होंने 2013 के अंदर रिलायंस नेट कनेक्ट का जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिया था। नॉर्मली ये क्या करते हैं, जब किसी वेबसाइट को हैक करते हैं उसके ऊपर एक पोयम लिख देते हैं, तो ऐसा ही इन्होंने आज क्या सुप्रीम कोर्ट की जब इन्होंने वेबसाइट हैक करी तो उसके ऊपर इन्होंने अपना एक पोयम लिख दिया। दिस इज वेरी सैड दोस्तों। जिस कंट्री के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आधार कार्ड आपका सेफ है, जिस कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट सेफ नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि आधार कार्ड का हमारा डाटा जो है सेफ होगा। आई होप कि हमारा आधार कार्ड डाटा सेफ हो, या पैन कार्ड जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जो हमारे डाटा है वो सेफ हो। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट खबर आ रही है Redmi Note 5 Pro की तरफ से। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, उसके अंदर मिलने वाला है आपको ओरियो का अपडेट। ये आया था 7.1 के साथ, लेकिन अभी ये खबरें लगभग पक्की हो चुकी है कि आपको ओरियो का अपडेट इसके अंदर मिलने वाला है। हालांकि ऑफिशियल कोई इसके अंदर जानकारी नहीं आई है MI की तरफ से, लेकिन मैं आपको लगभग कंफर्म बता रहा हूं कि आपको अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में आपको इसका अपडेट जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, अब बारी आती है उस सवाल के जवाब की जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि कितने आईफोन अभी दुनिया के अंदर है। तो 682 मिलियन आईफोन इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड है। ये नंबर बहुत बड़ा है दोस्तों।
उम्मीद करता हूं ये फन फैक्ट आपको पसंद आया होगा। आज की आपको टेक खबर कैसी लगी दोस्तों, लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा। मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट खबर के अंदर।